गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट क्लास 5th आपको लेसन नंबर 2 के बल विचार नामक पाठ से गंगा प्रतिया गंगा व्यास हेतु कुछ क्वेश्चन को अवगत कराएंगे। बल किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने वाले चिन्ह बल या अक्षर कहलाते हैं। सूक्ष्म भाषा की सबसे छोटी इकाई बल कहलाती है, बल या अक्षर कहलाते हैं, जैसे आ या गा रा आदि। बल के वेग, बल के दो वेग होते हैं, नंबर फर्स्ट स्वर, नंबर सेकंड व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन बलों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन्हें किसी का उच्चारण करने में किसी दूसरे से सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उस स्वर कहलाते हैं। जैसे आ आ ई उ जी ए ऐ और ओ औ, ये एक संख्या में 11 होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर व्यंजन, व्यंजन जिन बलों का उच्चारण दूसरे की सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कावर का खा का खाएगा, चावल चाछा डा ढाना, टावर टाठा डा ढाना, टावर ताथा डा ढाना, पावर पाथा बाभा मा, या रा ला वा सा 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 हा, छे तरक ध्या और श्री, ये व्यंजन होते हैं। होमवर्क में आप बल किसे कहते हैं और बल के कितने भेद होते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख करके आप विद एग्जाम्पल काउंटिंग संख्या में आपको बताएं।